नमस्ते, मैं शेफ फ्रूस फ्रॉम पैनासोनिक। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है मटन कीमा। उसकी सामग्री इस प्रकार है। जैसे कि मैंने मटन कीमा लिया आधा किलो। एक प्याज लिया मैंने जिसे पतली बारीक चॉप की है। थोड़े से मसाले इस प्रकार, लौंग लिए मैंने, इलायची ली है और बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 मैंने चॉप करी हुई हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक स्वाद अनुसार रहेगा और देसी घी लिया है आधी कटोरी। तो पहले हम देसी घी को करेंगे एक बाउल में। और इसमें प्याज डाल के हल्की कच्ची पक्की प्याज कर लेंगे अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव में। ये रख दिया मैंने अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव में। पावर लेवल 100 रहेगा और 1 मिनट 30 सेकंड का हम टाइम लेंगे। और देख सकते हैं जो टाइम हमने दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे निकालेंगे और एक बार अच्छे से चलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, लौंग, हरी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और नमक स्वाद अनुसार। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फिर रखेंगे हम अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। हमने जो दिया था टाइम वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे निकालेंगे माइक्रोवेव में से बाहर और एक बार अच्छे से चलाएंगे और इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे जो हमने लिया है आधा किलो। जैसे कि हमने मिक्स किया था अच्छे से, पूरे मिक्स कर दिया हमने कीमे को। और अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव मोड पे पैनासोनिक माइक्रोवेव में 6 मिनट के लिए। जैसे कि जो टाइम हमने दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे निकालेंगे माइक्रोवेव में से और एक बार अच्छे से मिक्स करके अगेन 3 मिनट के लिए दोबारा अपने माइक्रोवेव में रखेंगे माइक्रो पावर मोड पे। जैसे कि जो दिया था हमने टाइम वो हो चुका है कंप्लीट। हमारा मटन कीमा हो चुका है बिल्कुल तैयार और हम करेंगे हम आपके लिए सर्व। आप करेंगे आपके लिए सर्फ। पैनासोनिक।